टेक आज हम देखेंगे कुछ नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम्स की कुछ सॉल्यूशंस। देखते हैं आज की हाइलाइट्स। ई प्रोजेक्ट में आज हम बनाएंगे अपना चार्जेबल फ्रिज। ई सॉल्यूशन में इज बैक ऑन पॉपुलर डिमांड ई टेक का यूपीएस। प्रोकॉम 2011 की कुछ हाइलाइट्स, दुनिया भर से टेक्नोलॉजी की खबरें और इन द एंड ई फॉर फ्री की कुछ टॉप एंट्रीज। कल मेरे घर में पूरे 4 घंटे की लोड शेडिंग हुई। गर्मी का मौसम पूरी तरह आता नहीं है कि बिजली के मसले शुरू हो जाते हैं। आइसक्रीम का फालूदा तो बनता ही है, पीने को ठंडा पानी तक नहीं मिलता। लेकिन ई टेक ने इस मसले का भी एक हल निकाल ही लिया है। चलें देखते हैं। इस वक्त ये बर्फ बेच रहे हैं, लेकिन ये बर्फ जो है आप देख रहे हैं इस पर डस्ट वगैरह पड़ी हुई है। अगर आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि जो है आप पानी ठंडा पानी भेजना शुरू कर दो और फ्रिज बना लो, तो आप करोगे फिर ये काम? तो इनका भी एक मसला है कि ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं चाहते कि इस तरह बर्फ़ बेचें और ठंडा पानी भेजना चाहते हैं, और चलें इनका मसला भी हल करते हैं, ऐसा फ्रिज बनाते हैं जिसमें बगैर बिजली के पानी ठंडा किया जाए। यार मुझे पतीले की दुकान पर लेके चलो। बनाना है मुझे फ्रिज और हाथ में एक पतीला। इसकी भी एक वजह है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। कूलिंग के लिए 2 केमिकल यूज़ हो सकते हैं। पहले नंबर पे एसीटोन है और दूसरे नंबर पे मिथाइलेटेड स्प्रेट है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जब इस पर बॉइलिंग करते हैं या इसमें ब्लोइंग करते हैं तो उससे ठंडक पैदा होती है। तो मैं 1 लीटर ये ले रहा हूँ और 1 लीटर ये ले रहा हूँ। इस वक्त मेरे एक हाथ में पतीला है और दूसरे हाथ में फ़ैन है, लेकिन इसके लिए मुझे स्ट्रक्चर चाहिए और स्ट्रक्चर बनाने के लिए फैब्रिकेटर शॉप पर मौजूद हूँ। असल में मुझे जो है एक फ्रिज बनाना है, और फ्रिज बनाने के लिए एक 2 फिट का बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स में एक पतीला आएगा और उस पतीले के दरमियान में जो गैप होगा तकरीबन 1 फिट का होगा और यहाँ पर जाली आ जाएगी। थर्माकोल की शीट को बीच में रखकर और इसके ऊपर से एक और प्लेट आ जाएगी। इंसुलेटिंग मटेरियल से अपनी बॉडी बना लेंगे। काफ़ी मेहनत के बाद बॉक्स की तो शेप आ गई है और इस वक्त दरवाजे का काम चल रहा है। इसमें एक हैंडल लगा दें, एक ओपनिंग रखनी है ऊपर से सुराख करके ना। फ्रिज की छत पे जो ओपनिंग है यहाँ से हम पाइप और जो वायर होंगे वो यहाँ से डालेंगे। अच्छा अफजल भाई, अब ये इसको यहाँ पे फिक्स करना है हमें, और इन दोनों के दरमियान में जो गैप होगा वो 1 फिट का होगा। इस वक्त पतीले का स्टैंड तैयार हो गया और आप देख रहे हैं कि इसकी एक शेप आ गई, और इस शेप में ये डाल के देखते हैं पतीला के आधा ही नहीं आता। पतीला तो इसमें बिल्कुल फिक्स आ रहा है और ये हमारी एक शेप तैयार हो गई है। तो फैन के ऊपर की जाली बनानी है। आप ये जब बना रहे हो तो साइडों में रबड़ लगा लें, अगर एयर लीक होगी तो फिर इसकी जो गैस है वो नीचे आ जाएगी। हमने ये करना है कि सेपरेट रखना है दोनों पोर्शंस को, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। सबसे पहले आपने इसे ऊपर की तरफ लगाना है। अब ये अपनी जगह पे स्टेबल रहे उसके लिए हमें यहाँ पे कट स्क्रू लगाने पड़ेंगे। तो अफजल भाई इसको स्क्रू लगा के टाइट कर दें, और ये कि नीचे वाला जो फ़ैन है तो फ़ैन यहाँ पर लगा देना। अफजल भाई आपने फ्रिज तो बहुत अच्छा बनाया, और इसका जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो इसका जो बाकी प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी दे दें और एक मुझे दे दें जो पंप होता है ना एक्वेरियम में जो लगता है वो दे दें। मैंने एक पंप खरीदा है जो एक्वेरियम में इस्तेमाल होता है, और एक बैटरी के लिए जो आमतौर से 12 वोल्ट की इस्तेमाल होती है, ड्राई बैटरी ही है, उसे लेके चलते हैं और फ्रिज बाकी जो चीज़ें कंप्लीट करनी है वो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रिज की शक्ल तो बहुत अच्छी है मगर इस वक्त ये काम नहीं कर रहा। अब इसको काम करने के लिए इसमें हमने केमिकल डालना पड़ेगा, और वोलेटाइल लिक्विड बहुत सारे होते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे एसीटोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे एसीटोन केमिकल कौन सा है? नेल पॉलिश रिमूवर में ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, और इस वक्त मैं इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ इसे। इसमें मैंने एसीटोन इतना डाल दिया कि जो हमारे पास एयर पम्प है इसका पाइप इसमें डिप हो जाए। जब से लाइट जाने लगी है 12 वोल्ट का ये वाला पम्प मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, और ये पम्प जो है एयर को ब्लो करता है, और जैसे ही एयर ब्लो करेगा उसकी वजह से कूलिंग होगी। अब ये होगा कैसे? तो सबसे पहले पाइप मैंने इंसर्ट किया नीचे, और ये जो हमारा पाइप था इसमें हमने नट बोल्ट इस तरह से आपने इसमें डालना है ताकि वेट इसका जो है मेंटेन हो जाए, और उसके बाद आपने इसमें डिप कर देना है।
अब ये जो पूरा सिस्टम हमने इस वक्त सेट किया है, इसका फायदा ये है कि जैसे ही एयर ब्लो होना शुरू होगी, एयर ब्लो होने की वजह से बुलबुले ऊपर की तरफ उठेंगे, जैसे ही बुलबुले ऊपर की तरफ उठेंगे उसकी वजह से कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आपने पाइप में कुछ नहीं डाला वेट वगैरह, तो ये पाइप ऊपर की तरफ उठ जाएगा और आपका फ्रिज कूलिंग नहीं करेगा। यहाँ पर जो फैन लगाया गया है वो 12 वोल्ट का है, और ऊपर जो पतीले में एयर ब्लोइंग हो रही है उसका जो पंप है वो भी 12 वोल्ट का है। तो ये प्रोसेस तो अब कंप्लीट हो गया, मैं इसे कवर कर देता हूँ। पतीले का जो ऊपर का पोर्शन था वो जब आप कवर कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं से भी लीकेज ना हो, क्योंकि अगर एयर ब्लो होने शुरू हुए और एसीटोन के वेपर्स बाहर आने शुरू हो गए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका कूलिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर दोबारा से केमिकल डालना पड़ेगा। केमिकल ज़ाया ना हो इसलिए आपको कॉम्पैक्ट प्रोसेस बनाना है, कहीं से केमिकल लीक ना हो। तो इस वक्त हमने सिलिकॉन से इसको पूरा पैक कर दिया, और सिलिकॉन से पैक होने की वजह से यहाँ से एसीटोन या एयर लीक नहीं हो रही। उसके बाद आपने फैन पे कवर पे बंद करना है। अब इसका जो कनेक्शन है वो किस तरह से होगा वो चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है, ये जो वायर है ये फैन का वायर है, और दोनों के पॉजिटिव को एक साथ मैंने कनेक्ट किया और दोनों के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट किया। इस वक्त मैं बैटरी का कनेक्शन इसके साथ कर देता हूँ, और ये 12 वोल्ट की बैटरी जो मार्केट में ईजिली आपको 800 रुपये से 1300 रुपये तक की मिलेगी। हमने जो फ्रिज बनाई ये कितनी देर में कूलिंग करता है, इसके लिए मेरे पास स्टॉपवॉच मौजूद है और मैं इसे ऑन कर रहा हूँ इस वक्त, और मेरा स्टॉपवॉच तो ऑन हो गया है। इस वक्त पानी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस पानी को मैं जब फ्रिज में रखता हूँ तो उसके बाद देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना डाउन हुआ है। 27 मिनट गुजर चुके हैं, और 27 मिनट बाद जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है वो 18 डिग्री के आसपास है। इसका मतलब फ्रिज ने अपनी कूलिंग तो शुरू कर दी है, लेकिन जो हमने पानी इसमें रखा है अब हमने वो देखना है कि वो कितनी देर में ठंडा होता है। 1 घंटा 24 मिनट गुजर चुका है और पानी कितना ठंडा हुआ है ये तो हमें फ्रिज खोलने के बाद पता चलेगा। देखने में गिलास बहुत ठंडा लग रहा है, लेकिन अब थर्मामीटर डाल के देखते हैं इसका इस वक्त टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर 32 से डाउन हुआ है और एकदम से आ गया ये 15-16 पे। इसका मतलब है पानी अच्छा खासा ठंडा है, और ये बड़ी आसानी से आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि फ्रिज तो हमारा बन गया कम्प्लीट, अब इसको एक लुक देने के लिए, क्योंकि ईटेक ने इतनी मेहनत की और एक फ्रिज बनाया तो इस पे पेंट करके ईटेक लिख देते हैं। उसके लिए मेरे पास एक स्टेंसिल मौजूद है। इस फ्रिज की कॉस्ट कितनी कम है मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी जो बॉडी हमने बनवाई थी ये 2200 रुपये की थी, इसमें जो पतीला लगा था वो 200 रुपये का था। उसके बाद जो हमने इसमें केमिकल ऐड किया वो केमिकल हमें पड़ा 180 रुपये लीटर। तो ये टोटल आपको अगर फ्रिज पड़ेगा फैन वगैरह के साथ ये आपको मैक्सिमम 3000 का पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक का, लोड शेडिंग का एक और हल इस ब्रेक के बाद।